और मुझे ये देख करके बहुत गहरा धक्का लगा है कि इन्होंने इनक्रोचमेंट हटाने के नाम पर, अवैध कब्जे हटाने के नाम पर हरिद्वार का ध्वस्तीकरण किया है। ये विध्वंस है। कई इलाकों को देखने के बाद ये लगता है जैसे कोई दुश्मन टेरिटरी के अंदर आ गए हों और किसी ने वहाँ बम्बार्डमेंट किया हो। कोई मानक नहीं रखे गए, कोर्ट के आदेश अवैध निर्माणों के खिलाफ हो सकते हैं, अवैध कब्जों के खिलाफ हो सकते हैं। जिन लोगों के पास अनापत्ति प्रमाण हैं, जो प्रमाण पत्र हैं, जिन लोगों के पास कंपाउंडिंग के पेपर्स हैं, जिनको HRDA या नगर निगम ने अनुमति दी है, जिनके नक्शे पास हुए हैं अथॉरिटी से, उनको आप अवैध कब्जा कैसे कह सकते हैं? आप सड़क को चौड़ा कर रहे हैं तो सड़क का मानक बनाएंगे। एक जगह आप 50 फीट, कहीं 70 फीट, कहीं 85 फीट। नाली को भी आपने क्राइटेरिया नहीं बनाया है। कई जगह आप नाली से 10-12 फीट, 14 फीट तक अंदर गए हैं और कई जगहों पर आपने नालियों को बिल्कुल ढक दिया है। मंत्रीगणों ने ढक दिया है, शासन के महत्वपूर्ण लोगों ने ढक दिया है, लेकिन आप वहाँ जो है खाली जैसे पीठ खुजलाई जाती है, पीठ खुजलाने के तौर पर पीठ खुजला करके वापस आ गए हैं। आपने कुछ कार्रवाई नहीं की है। और मैंने ये भी देखा है कि मानक व्यक्ति के प्रभाव को देख करके कम और ज़्यादा हुए हैं। ये सब चीज़ न्यायिक प्रक्रिया का भी अपमान है। न्यायालय ने एक सामान्य आदेश दिया है कि आप अवैध कब्जों को हटाइए और यातायात को सुगम बनाइए, उसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है। मैं इसकी निंदा करता हूं और मैं सब लोगों से, और यहां तक कि मैं भाजपा के सत्ता के विवेकशील लोगों से भी प्रार्थना करता हूं इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, आगे आएं। और मैंने तय किया है कि यदि कुछ दिन मैं इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, कुछ पूछ नहीं होती है और इसी तरीके से अंधाधुंध ध्वस्तीकरण विध्वंसीकरण चलता है, तो मैं लोगों को जागृत करने के लिए राज्य के कई इलाकों में जाऊंगा और उन स्थानों पर जाऊंगा और विरोध को जो है इसके खिलाफ संगठित करूंगा। योगी जुमला था, अब उसमें हमारे त्रिवेंद्र जी भी आ गए, उन्होंने कहा मैं पीछे रह गया, सारे नंबर तो योगी जी को मिल जाएंगे। योगी जी ने जितना इन्वेस्टमेंट आने की घोषणा की, उतने इन्वेस्टमेंट के 10% आने में भी उत्तर प्रदेश में ज़मीन कम पड़ जाएगी। और उत्तराखंड में तो पहले से ज़मीन नहीं है, जो ज़मीन हमारे पास हैं, जैसे हमने बिहारीगढ़ क्षेत्र को हमने एजुकेशन हब के लिए पैसे मार कर रखा था, काशीपुर में नेपा की ज़मीन को हमने एजुकेशन हब के लिए मार कर रखा था, उसी तरीके से ज़मीन की चकबंदी से निकले हुए एरियाज थे उनके लिए हमने किस तरीके की वहाँ पर उद्योग लगेंगे, कुछ भूमिहीनों के लिए और कुछ आपदा पीड़ितों के लिए ज़मीनें मार करके रखी हैं। हम टेक्सटाइल पार्क के लिए हमने मार करके रखे हैं, करार किया है, टेक्सटाइल पार्क के कुछ प्रोजेक्ट आ भी चुके हैं। तो ज़मीन है कहाँ आपके पास? सरकार अपनी डेंटिंग पेंटिंग के लिए राज्य का 200-300 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। हमें खुशी है, अभी तक केवल मोदी ही चमकीले दिखाई दे रहे थे, अब उनके साथ त्रिवेंद्र सिंह भी कुछ चमकीले दिखाई दे रहे हैं। ये कितना बड़ा प्रोपोगेंडा है और उसी प्रोपोगेंडा का सहारा ये भी ले रहे हैं। ये ऐसा जुमला है इन्वेस्टमेंट साइन करने का जो मोदी जी के 15 लाख हर खाते के जुमले की तरीके से कभी साकार होने वाला नहीं।